अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चा कीमा कबाब बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसे बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम भी किचन में अगर इसे बनाते रहते हैं, बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा लिया है मशीन का, आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा को मैंने अच्छे से पानी में वॉश किया था, वॉश करके इसे स्ट्रेनर में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो सारा पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ की हूँ, अगर आप स्टोर किया हुआ भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद कीमे और अदरक लहसुन को अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं और आप ऐसा बना भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अभी कीमा ऐड की हूँ, उसके अंदर मैंने अभी ऐड की हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और बाकी के जो मैं मसाले ऐड करूँगी ना आगे, वो भी आप ऐड करेंगे तो मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे मिक्स की हूँ ताकि जो कीमे की जो स्मेल होती है ना वो पूरी बाहर निकल जाए, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ना फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आप ऐसा करेंगे तो बहुत से लोगों के कबाब के अंदर से स्मेल आती है ना, तो वो आनी बंद हो जाएगी। आप जो भी कीमे में, मटन में, बीफ में बना रहे हैं उसके अंदर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, और अच्छे से इसे मिक्स करके इसे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे ना, तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच बेसन, ग्राम फ्लावर। बेसन को अच्छे से तवे पर थोड़ा सा धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे कीमे के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इस यहाँ पर मतलब अक्की लाल मिर्ची, 6 अक्की लाल मिर्ची ली थी मैंने, और 2 से 3 चम्मच अक्की धनिया को तवे पे रोस्ट करके इसे मिक्सर में पीस लेंगे, और थोड़ा सा दरदरा पीसना है, पूरा बारीक नहीं करना, ठीक है। तो उसको कीमे में ऐड कर देंगे। अक्की लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं जो चीज़ ऐड कर रही हूँ, मेन इंग्रेडिएंट है कबाब को टेस्टी बनाने में, अजीनोमोटो, जो हम फ्राइड राइस नूडल्स में ऐड करते हैं ना, वो 1 से 1.5 चम्मच आप ऐड करेंगे अजीनोमोटो। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। तो आप यहाँ पर नमक और अजीनोमोटो की क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा, क्योंकि अजीनोमोटो में भी अजीनोमोटो नमक ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। 1 चम्मच मैं तेल ऐड करूँगी, आप तेल भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, तीनों में से आप कोई भी चीज़ 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे। तेल या घी, बटर ऐड करने से क्या होता है ना, जो कबाब होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होते हैं, ठीक है। फिर तेल को ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग ग्लव पहनकर भी यूज़ करते हैं कबाब को जब मिक्स करते हैं, तो आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं हाथों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। हाथों को अच्छे से वॉश करके कबाब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स करने के बाद ना आप क्या करिएगा, इसे 1 से 2 घंटा मैरिनेट कर लेंगे फ्रिज के अंदर, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसे कबाब बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं। तो जब तक का हमारा कीमा मैरिनेट हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हूँ, 6 हरी मिर्ची ली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया कोतनी ऐड की हूँ, ठीक है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा, याद रखिए कि हमने अक्की लाल मिर्ची भी यूज़ की है कीमे के अंदर। तो हरी मिर्ची, अक्की लाल मिर्ची, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। तो यहाँ पर मैं चॉपर ले रही हूँ, आप नॉर्मल मिक्सर में भी इसे मतलब पीस सकते हैं, मेरे पास चॉपर है तो मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा होता है इसमें बारीक पीस के, मतलब अच्छा रेडी होता है, मार्केट में इजिली मिल जाता है और ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्याज को मोटा कट करके ऐड की हूँ, 6 हरी मिर्ची, थोड़ा सा कोथमीर,
चॉपर से या मिक्सर में जो भी आपके पास हो आप इसमें चॉप करके इसको फिर हम कीमे में ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पर पीस के हो गया है, देखिए कितना बारीक पीसा हुआ है, बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें, बस ऐड करो और पीस लो। ठीक है, तो फिर अभी इस कीमे के अंदर इसे ऐड करेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, रेड ग्रीन वाइट, बहुत ही टेस्टी लगता है कबाब। सच में आप ट्राई करना ज़रूर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो दिल करे वो कुछ ना कुछ तो करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हाँ इसके अंदर एक नींबू का रस ऐड करेंगे। देखो नींबू तो अभी आपकी लेमन पर डिपेंड करता है, एक यूज़ करो दो यूज़ करो, अभी हमारे यहाँ नींबू में रस भी कहाँ होता है इतना, तो मैंने यहाँ पर एक ही नींबू का रस यूज़ की थी। फिर इसे ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे बहुत मिक्स कर चुके हैं। ठीक है, इसे बनाने के लिए थोड़ा हाथों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप जिम जाते हो ना तो वो दिन आप जिम मत जाइए, आपके कबाब बनाते रहेंगे तो आपकी ऑलरेडी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे, इसका शेप देंगे, कबाब का शेप जैसा देना है आपको, गोल बनाएं चपटा बनाएं जैसे आपको बनाना है, आप उसको शेप देके कबाब को जब आप शेप देंगे ना तो फिर से आधा घंटा और फ्रिज में रख देंगे तो कैसा कबाब थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ठीक है, फ्राई करने के टाइम ना टूटता नहीं, डायरेक्टली ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको टिक्की बनाकर इसे फ्रिज में रखना ही रखना है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, अपना आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, टिक्की बनाकर इसे अच्छे से रख देंगे, गोल गोल लंबा जैसा भी आपको शेप देना है, बस शेप का फ़र्क होता है, खाने में टेस्ट तो ऐसे ही रहने वाला है। फिर गरम गरम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे पैन में जिसमें आप कबाब फ्राई करते हैं, अच्छे से मीडियम आंच पे इसे डीप फ्राई करना है, स्लो आंच पे, क्योंकि कबाब कच्चा है, कोई भी चीज़ यहाँ पर पकी हुई नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो कच्ची है, तो स्लो स्लो धीमी आंच पे अच्छे से आराम से इत्मीनान से बनाना है इसे। ठीक है,
तो ये देखिए कबाब जो है पूरे रेडी हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए ना तो ज़्यादा इसे फ्राई करिएगा। तो ये देखिए कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी बनाना। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लग रही हो, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया हो, मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। जिनको कबाब पसंद है, जो बीफ का कबाब खाना पसंद करते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको ये रेसिपी भी देखकर कुछ तो सीखने को मिले। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी हुए। तो आई होप आपको भी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी कोई रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उस रेसिपी को ट्राई करने बनाकर आपके साथ मतलब शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी इजी और क्विक सी रेसिपी के साथ। तब तक का मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। और अगर आप इसकी रेसिपी बनाकर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ना तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो मतलब निकाल कर ज़रूर भेजिएगा अगर आपकी रेसिपी कोई भी ट्राई करता है। तो इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फूडी फलक से। ठीक है, एफ से फूडी फलक। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।